अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज से पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो मैं इंशाल्लाह न्यू ईयर में अपलोड कर लूँगी, लेकिन आज का जो व्लॉग था वो इस साल का आखिरी व्लॉग था। आज 31 की रात थी और मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि UAE में मतलब 31 कैसे मनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डे था। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी कि इंशाल्लाह आपका जो नया साल हो खुशियों से भरा हो, उसमें कोई भी दुख दर्द ना हो। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा कि हमारे घर से भी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएं, मैं अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा पाऊं और मेरे लिए कहीं अच्छी जॉब मिल जाए और हम लोग की जो ज़िंदगी है वो ट्रैक पर आ जाए। आज है संडे, आज 31 दिसंबर हो गई है और हमारे विला में भी म्यूज़िक चल रहा है और हमारे विला के आस पास भी सब जगह से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है आज का। ऐसा लग रहा है कि बारिश होएगी, बदली छाई हुई है। इशाल ने तो आज भी ब्रेकफास्ट में नूडल्स खाए हैं और इल्हाम बोलती है कि मेरे लिए भी नूडल्स बनाओ। और मैंने तो रमीज़ के साथ में सुबह 11 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया था जब वो लेके आए थे, और अभी ये जो है बारबेक्यू आंटी को देने लगी हूँ क्योंकि रात में तो वो सो गई थी, तो इस टाइम पर दे रही हूँ। दो दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए कल शाम को मैं आंटी के साथ में क्लिनिक गई थी, फिर मेडिसिन वगैरह लेके आई। रात में मैंने मेडिसिन खाई है, लेकिन मेडिसिन खाने से मतलब इतना पेट में इतनी ज़ोर से दर्द होने लगा, फिर पूरी रात मैं जागती रही, सो ही नहीं पाई और उसके बाद में वॉमिटिंग भी हो गई। तो पता नहीं ये मेडिसिन की वजह से हुआ कि कल बारबेक्यू किया था उसकी वजह से हुआ, समझ नहीं आया क्या हुआ। बस इसलिए मुझे सुबह में उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करा था। रमीज़ आए थे 11 बजे ब्रेकफास्ट लेके, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ब्रेकफास्ट कराया। जब वो चले गए तो मैं वापस से सो गई हूँ। फिर अभी हम लोग उठे हैं 2:30 बजे। सबसे पहले इशाल उठी, फिर उसने नूडल्स खाए, उसके बाद में इल्हाम को नूडल्स बना के दिए, अभी साथ में मैंने अपनी चाय भी बना ली क्योंकि सुबह तो चाय पी नहीं थी मैंने। तो बस अभी नमाज़ का टाइम हो गया था, इशाल ने नमाज़ पढ़ ली, मैंने भी पढ़ ली। उसके बाद में बच्चों को शावर देना था मुझे, फिर इनको शावर दिया, इनको तैयार किया। 5:45 बज गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए, तो सामने वाली आंटी हमारे साथ में ही है। अब ज़्यादातर मैं उनके साथ में ही शॉपिंग वगैरह के लिए चले जाती हूँ, उनकी भी वॉक हो जाती है और मैं भी अपनी चीज़ें ले लेती हूँ, या उनको भी कभी कुछ सामान लेना होता है तो वो मुझे साथ में ले जाती हैं। और इस बार ट्रैफिक और पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया है, जो भी कोई ओपन एरिया है वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी है, लाउड स्पीकर लगा दिए हैं, उसमें गाने बजा रहे हैं और लोगों को फ्री में बिरयानी बांट रहे हैं। तो जो भी जिस एरिया का है मतलब वो वहाँ पे ही रहे, डाउनटाउन की तरफ ना जाए क्योंकि वो VIP एरिया है। अगर वहाँ पे सारे लेबर से उठ के लोग चले जाएंगे तो उस एरिया की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ गोरे और लोकल आते हैं, वो लोग ने बकायदा बुकिंग करी होती है, वहाँ पे बैठ के इंजॉय करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, साथ में फायर वर्क का व्यू देखते हैं। तो इसके लिए लोग ने इस बार ऐसा किया है कि मतलब जिस एरिया का जो बंदा है वहाँ पर वो पार्टी करे और इस तरफ ना आए। मैं सोचा ईयर एंड चल रहा है, शायद से ब्रांडफोर्डलेस में ऑफ़र वगैरह लगी हो तो वहाँ से बच्चों के लिए कुछ ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे कोई ऑफ़र नहीं लगी थी। तो अभी हम लोग आ गए हैं दियाफा सेंटर, दियाफा गिफ्ट सेंटर में, ये 1 to 20 है। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने अपने लिए मोबाइल होल्डर और वॉलेट लिया, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था मोबाइल रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी मोबाइल कैरी करना होता है, पैसे भी कैरी करने होते हैं और साथ में इल्हाम भी होती है, फिर उसको भी कैरी करना होता है तो बहुत मुसीबत हो जाती है। अब इसमें सारी चीज़ें मैं डाल के आराम से जा सकती हूँ। बच्चों के कपड़े तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए यहाँ पे, तो फिर मैंने उनके कपड़े तो नहीं लिए, सिर्फ उनके लिए 2-3 पजामे ले लिए और अपने लिए मैंने 2-3 टॉप्स ले लिए क्योंकि एकदम सस्ते थे यहाँ पे, 1 to 20 था। तो साथ में उसके ट्राउज़र मैच कर ली, क्योंकि मेरे पास जो भी कपड़े थे वो इस तरह हो गए थे कि मतलब बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे, अब तो मतलब वो गल के फटने लगे थे। और यहाँ पर इतने महंगे भी नहीं थे, सिर्फ 20-20 दरम में मुझे मिल गए थे। तो उसके बाद में जब हम लोग बाहर आ गए तो इशाल बोलती है मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो सामने ही अलबेक था तो हम लोग अलबेक गए। आंटी को भी बोला कि आप भी बर्गर खा ली, बोलती मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं खाया बर्गर। मैंने बोला आप एक बार यहाँ का खाइए फिर आपको अच्छा लगेगा, तो राज़ी हो गई थी। तो जब मैंने सबके लिए पार्सल ले लिए बर्गर के, तो जब हम लोग यहाँ पर गार्डन में आके बैठ के खाने लगे, आंटी बोलती कि नहीं अब मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। और उतनी देर में फिर रमीज़ और उमर भी आ गए थे, तो फिर रमीज़ ने हम लोग को पिकअप कर लिया था और उमर चला गया था अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद हम लोग गए टी टाउन, वहाँ से अपनी चाय ली, उसके बाद सीधा घर गए, घर पे सामान वगैरह रखा। Thank you.
तो ये रहे मेरे 3 ड्रेसेस, और बच्चों के लिए मैंने पजामे लिए हैं, और इल्हाम के लिए मैंने क्लिप्स ले लिए थे। ग्यारह बजे हम लोग घर से निकल गए थे और रमीश बोल रहे थे कि बुर्ज खलीफा के पास तो हम जा नहीं सकते क्योंकि अभी सारे रोड वगैरह बंद हो गए हैं और लामर की तरफ भी कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आज हम लोग बर्दबई की तरफ जा रहे थे ताकि वहाँ से फ्रेम का व्यू भी मिल जाए और बुर्ज खलीफा का भी। तो बस हम लोग दुबई फ्रेम पहुंच गए थे और यहाँ से रोड बंद हो गए थे तो सबने बस रोड के ऊपर ही कार पार्क कर दी थी और सारे इधर पार्क की तरफ आ गए थे। तो यहाँ पे सब पब्लिक आ चुकी थी और कितने सारे लोग कैंपिंग भी कर रहे थे। तो यहाँ से दोनों व्यू मिल जाएंगे हमें, बुर्ज खलीफा भी मिल जाएगा और फ्रेम भी मिल जाएगा। कितनी स्मोक हो रही है, इतना नजदीक के हम लोग हमारे मुंह पे ऐसे लगा था ना, छोटे छोटे से टुकड़े गिर रहे थे। चल चल आजा आजा। स्मोक स्मोक, हाँ देयर इज मोर फायरवर्क देयर। कम 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 लुक लुक देयर देयर देयर।
इतने सालों में पहली बार हम लोग ने फायरवर्क को इतने नजदीक से देखा है, इतने नजदीक देखे है, उसकी जो जरूरत है वो हमारे मुंह पे पड़े थे और हम लोग को महसूस हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मतलब आंखें बंद कर ले यानी तो आंखों में चला जाएगा। फायरवर्क जैसे ही खत्म हुआ सब लोग अपने अपनी कारों की तरफ भागे और बस ट्रैफिक जाम फुल। बस अभी यहाँ से रमेश बोलते हैं कि धीरे धीरे निकलेंगे। रमेश इलहम को अपने साथ ले गए थे, वो बोलते हैं कि मैं कार लेके आता हूँ, तुम लोग यहाँ पे वेट करो। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, साथ साथ में इनका जो डांस हो रहा है वो भी इंजॉय कर रहे थे। रमेश हमें ड्रॉप करके अपनी जॉब पे वापस चले गए थे और इल्हाम को भूख लगी थी तो पहले उसको एग बना के दिए और साथ में अपने लिए कॉफ़ी बनाई। उसके बाद रमेश का कॉल आया, बोलते हैं कि तुम लोग जमजम मंदिर के पास जाओ, वहाँ पे एलिफेंट आया है, इल्हाम को बच्चों को जाके दिखा दो। विशाल को तो मैंने बोला तो बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना, तो फिर मैं इल्हाम को लेकर जा रही हूँ, साथ में कॉफ़ी भी पीते जा रही हूँ और बस स्लो स्लो हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं। मैंने स्ट्रॉलर तो ली नहीं क्योंकि स्ट्रॉलर में कॉफ़ी रखते हैं तो वो पूरी स्पिल होकर गिर जाती है। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं जमजम मंदिर। जमजम मंदिर की जो सीटिंग एरिया है ना वहाँ पे ये एलिफेंट रखा हुआ था, तो जो भी कार से बंदा जाएगा तो उसको तो ये रियली नज़र आएगा क्योंकि उसके ईयर भी हिल रहे हैं, उसकी टेल भी हिल रही है। तो मैंने रमेश को मैसेज किया, आप तो बोलते कि ये रियल है ये तो फेक है, तो बोले मुझे तो कार से रियली नज़र आ रहा था। बस इल्हाम का मैंने फ़ोटो ज़बरदस्ती लिया, वो तो डर रही थी तो सोची थी रियल है, मैं उसको बोलती फेक है रियल नहीं है। जो कोई भी वहाँ से पास हो रहा था एलिफेंट के साथ फ़ोटो बनाए बगैर नहीं जा रहा था। उसके बाद इल्हाम बोलती मुझे यहाँ पे ही खेलना है, मुझे यहाँ पे बैठना है, तो बस ये खेलते रही कम से कम आधा घंटा। उसके बाद जब ये रेस्टोरेंट बंद हो गया है तब हम लोग यहाँ से निकले। ओके फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।